अ बॉल ऑफ मास m1 एंड m2 ड्रॉ फ्रॉम अ इक्वल हाइट, हाइट इक्वल है ठीक, एक मास m1 है वो h हाइट से गिराई जाती है और एक मास m2 है वो भी h हाइट से गिराया जाता है, ये दिया हुआ है ठीक। और उसके बाद बोलना है इसको गिरने में t1 समय लगता है, इसको गिरने में t2 समय लगता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी। देखो एक चीज बच्चों ये याद रखो कि मोशन की इक्वेशन आप लगाओगे, मोशन की इक्वेशन में कहीं मास रखने को आता है, कहीं मास रखने का जगह है, इसका मतलब मोशन की इक्वेशन मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मास चाहे जो हो समय क्या लगेगा सेम, तो कौन सा आंसर सही, बी आंसर क्या है सेम है। आगे समझ में ली, क्योंकि हाइट जब सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा सेम ही होगा, क्योंकि हम ये जो चीज पढ़ते हैं वो वैक्यूम में पढ़ते हैं, समझ में आ गया, लिख लो।